रोड पैदल यात्री लिए के सही होना चाहिए और पानी की भी व्यवस्था हो देनी, बाकी सब लोग बहुत होनी सही है। हम वायतु से पानी यहाँ लेके आए, खेत के अंदर पानी कहीं भी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े लोक देवता बाबा रामदेव जी, जिनके पैदल जाने वाले लोगों को जात्रु कहते हैं, हजारों की संख्या में लोग समूह बनाकर गांव-गांव से रोणीचा रामदेवरा जा रहे हैं। इन लोगों का एक संघ है श्री बाबा रामदेव पैदल यात्रा संघ कालवा मित्र मंडल। यह संघ अभी बाईतू के आसपास है और रास्ते में आप सबको कहीं मिले तो इनकी किसी भी प्रकार की अगर हेल्प कर सको तो आप ज़रूर करें। इनसे अपन बात करेंगे किस प्रकार रामदेवरा जा रहे हैं, कितनी दूरी है, कितना समय लगा, ये सारी बातें इनसे करेंगे, तो आप वीडियो में देखें। भाई साहब राम राम। राम राम साहब राम। कहीं नाम है, कहीं गांव है? सर मेरा नाम मगराम में कलबी योजना, गांव टीटो पे, उप तहसील सरनव, जिलो सांसोर। घर से निकले हुए कितने दिन हो गए? हम सुबह 8/8/2023 को घर से निकले हैं, आज 17 दिन है। यात्रा में आपके साथ कितने लोग हैं समूह में? कुल समूह में 3 रसोड़ा, 1 में ड्राइवर हूँ, 2 रसोड़ा वाला है और बाकी 13 पैदल यात्री। यहाँ तक आए हो कुछ दुविधा सुख बढ़िया है? बस सुख शांति है, सब लोगों का प्यार मिल रहा है। और क्या है, पानी की व्यवस्था? सरकार से कुछ मांग वांग? सरकार से एक मांग है कि जो सड़क है पैदल यात्री के लिए बिल्कुल ही टूटी हुई है। यहाँ जो जोते होते हैं ना तो पूरी पूरे खड्डे शरीर के अंदर पड़ जाते हैं पैरों के अंदर, लेकिन सरकार से एक ही मांग करते हैं कि रोड पैदल यात्री लिए सही होना चाहिए और पानी की भी व्यवस्था हो देनी, बाकी सब लोग बहुत नज़र अच्छे देखते हैं। पानी नहीं, पानी सब टंके सूखे पड़े हैं, पानी में साथ के स्थानीय लोग तो कुछ भी नहीं कहते हैं। स्थानीय लोग कोई परेशान नहीं करते हैं, खूब प्यार देते हैं और खूब साफ पानी की व्यवस्था करते हैं, लेकिन एक ही सरकार को ये कहता है, एक तो रोड नहीं, एक पानी की व्यवस्था, दो व्यवस्था होनी चाहिए। हम वायतु से पानी यहाँ लेके आए, खेत के अंदर पानी कहीं भी नहीं है। और भी बाबा जी, बाबा जी राम राम। राम राम सर। बाबा जी की उम्र हो गई? मेरी उम्र है 50 साल। पहली बार रामदेवरा जा रहे हो? पहली बार जा रहा हूँ। यहाँ तक आए हो, थकान वकान महसूस नहीं हुई? थकान नहीं, बाबा की कृपा है माते। और हाँ, कुछ बोलना चाहो? जो इच्छा होती है बाबा पूरी करता है। मांगे रामदेवरा जा रहे हो? रामदेवरा जाने समय क्या रास्ता एक तो टूटा हुआ है, सब पैदल यात्री में चलते समय वो रास्ता क्या है टूटे हुए, तो पैरों के बीच में दर्द होता है, फरफोला होता है, ये प्रॉब्लम आती है। और बाकी पानी की व्यवस्था नहीं है और तो बाकी तो बढ़िया है। लोक देवता रामदेव जी के बारे में कुछ बोलोगे? नहीं, रामदेव जी तो बहुत बढ़िया है, जब मन से जाते हैं तो उसका भला होता ही है। भला होता है, आपकी श्रद्धा है, विश्वास है? विश्वास तो नहीं। भाई साहब राम राम। राम राम। साथ ही बार इनके अनुभव इनसे पूछते हैं। भाई साहब नाम क्या है? मेरा नाम अकमार राम। अकमार राम जी, हाथ बार राम देरे क्या हो, कितो बढ़िया लगे राम देरे जाना? राम देवरा तो बढ़िया हर तो लागे, बड़ा एक रोड इन पौने की पूरी समीक्षा। रोड इन पौने की समीक्षा तो सरकार उके मांग करनी चाहो राम देरी है जगह जात्रु जे पैदल बा दादा लेक तो रोड इन एक पौने दी रोड इन पौने होना चाहिए। ये इनकी मांग है, सरकार इतने सारे काम कर रही है तो इनके तरफ भी जरूर ध्यान दें। बाकी ये कह रहे हैं बीच रास्ते के लोगों का जोरदार सपोर्ट है, इनके साथ में खाने पीने की सारी चीज़ें साथ में होती है और देसी खाना जो आप सब जानते हो अपने घरों में बनता है ये साथ में बना के खाते हैं। इनसे बात करेंगे। भाई साहब राम राम। राम राम। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में हो, कैसा अनुभव हो रहा है यहाँ का? मस्त है, अटारो एरिया के बीच में खाना खाना और परिवार के लोगों के साथ में। अटारो एरिया मस्त है, सुंदर एरिया।